Good morning students, welcome back to your maths class. I hope you all are studying. In the previous video we did exercise 2.2 question number 1 to 8. Now we'll be doing question number 9 to 16. Question number 9, it is given the age of Rahul and Harnoon are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? Question में बेटा हमको बोला है दो लोग हैं राहुल और हरुण. उनके जो ages हैं, जो present ages का ratio है वो है 5:7. 4 years के बाद उनके ages का जो sum होगा वो होगा 56. हमसे पूछा है what are their present ages? यहाँ पर हम क्या करेंगे? Solution में हमें present ages पूछा है, right? राहुल इज टू हरुण, इन दोनों के एजेस का रेशियो क्या है बेटा? 5:7. 5 जो होना चाहिए वो राहुल का और 7 होना चाहिए हरुण का. तो यहाँ से हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट राहुल्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 × x. 5 कहाँ से आया? क्योंकि ये रेशियो 5:7 है इसीलिए राहुल का एज हमने ले लिया 5x, उसका प्रेजेंट एज, और हरुण्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 7x. यहाँ पर 7 कहाँ से आया? यहाँ से. आगे देखिए, हमें बोला है 4 years later. 4 years के बाद उनके एजेस कितने होंगे? After 4 years, Rahul's age will be. देखिए, अगर राहुल का प्रेजेंट एज 5x years है तो 4 years के बाद उसका एज होना चाहिए 5x + 4, एंड हरुण की प्रेजेंट एज है 7x years, तो 4 years के बाद हरुण की एज कितनी हो जाएगी बेटा? 7x + 4. ये हो गई उनकी 4 साल बाद की एज, 5x + 4 एंड 7x + 4. क्वेश्चन में हमसे पूछा है 4 years later the sum of their ages, यानी कि 4 साल के बाद उनके एजेस का जो सम है वो 56 होना चाहिए, यानी कि 5x + 4 + 7x + 4 कितना आना चाहिए बेटा? 56. ये हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई 1 वेरिएबल में. वेरिएबल क्या है यहाँ पर बेटा? जो वेरिएबल है वो है एक्स. इसे हम सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 5x + 7x आएगा 12x, 4 + 4 मिलेगा 8, और इक्वल टू के उस साइड हमने 56 ही रहने दिया. अभी क्या करते हैं, कांस्टेंट को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं. ये आ जाएगा 56 - 8. 56 - 8 बेटा आएगा आपके पास 12x = 48. अब 12 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू की वो उस साइड जाएगा तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में. इसे कैंसिल करेंगे, 12 × 1 = 12, 4 × 4. यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया 4. अब देखिए, हमें बोला था व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. प्रेजेंट एजेस हमने क्या लिया? राहुल का एज हमने लिया था 5x, तो राहुल का एज क्या आना चाहिए बेटा? राहुल्स प्रेजेंट एज आना चाहिए 5 × x. एक्स का वैल्यू क्या निकाला हमने? 4. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फाइव इंटू 4 20 ईयर्स. ये आ गया राहुल का प्रेजेंट एज. हरुण का प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा? 7x. सो 7x, एक्स की वैल्यू क्या है? 4. 7 × 4 आ गया 28 ईयर्स, यानी कि राहुल का प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स और हरुण का प्रेजेंट एज है 28 ईयर्स. दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. वॉट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास? दोबारा से देखिए, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो कितना गिवन है हमें? हमें ये बॉयज इज टू गर्ल्स का जो रेशियो है ये गिवन है 7:5. हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7x एंड गर्ल्स इक्वल्स टू 5x. हमने मान लिया कि जो क्लास है उसमें नंबर ऑफ बॉयज हैं 7x और गर्ल्स है 5x. हमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. यानी कि जितने भी बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं. दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होना चाहिए, 8. दिस इम्प्लाइज 7x माइनस 5x मस्ट बी इक्वल्स टू 8. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल्स टू 8. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 8/2 एंड दिस गिव्स अस द आंसर x इक्वल्स टू 4. हमको यहाँ पे क्वेश्चन में आगे पूछा है व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. टोटल स्ट्रेंथ पता लगानी है तो हम पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ बॉयज हमने कंसिडर किया है 7 × x. x का वैल्यू कितना आया, 4. तो नंबर ऑफ बॉयज आ गए 28. नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कंसिडर किया 5x. x का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 20. दैट मीन्स बॉयज हैं 28 और गर्ल्स हैं 20. तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा बेटा, टोटल स्ट्रेंथ होगी ऑल द स्टूडेंट्स बॉयज प्लस गर्ल्स. दैट मीन्स 28 + 20, दिस गिव्स अस 48. दैट मीन्स देर आर टोटल 48 स्टूडेंट्स इन द क्लास. दिस कंप्लीट्स आवर 10th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग. द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. दैट मीन्स इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट बाईचुंग्स फादर, बाईचुंग के जो पापा हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर हैं और बाईचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है. 26 ईयर्स यंगर देन द ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग. हमको बोला है कि उन तीनों के एजेस का जो सम है वो 135 ईयर्स है. हमें उन तीनों की एजेस निकालनी है. हम क्या कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं लेट बाईचुंग्स एज. हम बाईचुंग की एज जो है वो कंसिडर कर लेते हैं एक्स. अच्छा, अब देखिए हमें बोला है बाईचुंग के जो फादर हैं वो उससे 29 ईयर्स बड़े हैं. दैट मीन्स उसके फादर का एज कितना हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस 29. और आगे हमें क्या बोला है कि बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो उसके फादर से 26 ईयर्स ओल्डर हैं. यानी उसके फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं. दैट मीन्स ग्रैंडफादर का एज कितना हो गया, एक्स प्लस 29 प्लस 26. बाईचुंग के फादर की एज से 26 और ज़्यादा. दैट मीन्स एक्स प्लस 29 प्लस 26. ये वैल्यू हमें मिलेगी एक्स प्लस 55. एक्स प्लस 55 यानी कि बाईचुंग की एज कितनी हो गई, एक्स ईयर्स. बाईचुंग के फादर की एज हो गई एक्स प्लस 29 ईयर्स और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो गई एक्स प्लस 55 ईयर्स. अभी हमें क्या बोला है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री. यानी कि एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 59 इक्वल्स टू 135. ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा. यहाँ पर देखिए
एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x 29 प्लस 59 विल गिव अस 84 इक्वल्स टू 135 3x इक्वल्स टू 135 माइनस 84 यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 3x इक्वल्स टू 51 x इक्वल्स टू 51 अपॉन 3 दैट मीन्स x इक्वल्स टू 17 x का वैल्यू हमारे पास 17 आ गया तो यहाँ देखिए बेटा बाईचुंग का एज कितना हो जाएगा बाईचुंग का एज हमने लिया था x ईयर्स x का वैल्यू आया 17 तो बाईचुंग है 17 ईयर्स का बाईचुंग्स फादर का एज था बेटा x प्लस 29 यानी कि 17 प्लस 29 ये आ जाएगा 46 ईयर्स नेक्स्ट ग्रैंडफादर्स एज हमने लिया x प्लस 55 x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 17 प्लस 55 दिस विल गिव अस 72 ईयर्स यानी कि बाईचुंग का एज आ गया 17 ईयर्स फादर का एज आ गया 46 ईयर्स और ग्रैंडफादर का एज आ गया 72 ईयर्स दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज दैट मीन्स रवि की एज अभी प्रेजेंट में जितनी भी है आज से 15 ईयर्स के बाद उसकी एज अभी की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी हमें फाइंड करनी है रवि की प्रेजेंट एज यहाँ क्या करेंगे सल्यूशन लेट रवीज प्रेजेंट एज हमने रवि की प्रेजेंट एज को मान लिया x ईयर्स आज से 15 ईयर्स बाद रवि की एज क्या हो जाएगी रवीज एज आफ्टर 15 ईयर्स अगर रवि आज x ईयर्स का है तो आज से 15 ईयर्स के बाद वो x प्लस 15 ईयर्स का होना चाहिए ऑलराइट फिर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो 15 ईयर्स बाद की एज है वो प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है दैट मीन्स x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे x इस 4x को इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं ये हो जाएगा माइनस 4x 15 को इक्वल टू के अदर साइड भेज देते हैं वो हो जाएगा माइनस 15 x माइनस 4x गिव्स अस माइनस 3x एंड दिस इज माइनस 15 x इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन माइनस 3 दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ x एज 5 And since we have considered the Ravi's present age to be x years, this implies Ravi's present age equal to 5 years. This completes our question number 12. Question number 13, you have to do it by yourself. Question number 14. In question number 14, It is given to us, Lakshmi is a cashier in bank. She has currency notes of denomination 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. And the ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does she have? हमें बोला है, Lakshmi के पास 100 rupees, 50 rupees और 10 rupees के notes हैं. और उनका जो ratio है, वो क्या है? 2:3:5 इस रेशियो में नोट्स हैं उसके पास हम क्या कंसिडर करते हैं लेट नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इक्वल टू 2x 50 रुपी नोट्स इक्वल टू 3x एंड 10 रुपी नोट्स इक्वल टू 5x ये हमने कंसिडर कर लिया अच्छा अभी हमें बोला है कि जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास वो 4 लाख रुपीज़ है
टोटल कैश कैसे निकालेंगे बेटा? अगर 100 रुपीज़ के 2x नोट्स हैं उसके पास, तो टोटल कितना हो गया? 2x इंटू 100। 50 रुपीज़ के 3x नोट्स हैं उसके पास, तो 3x इंटू 50। प्लस 10 रुपीज़ के 5x नोट्स हैं उसके पास, तो ये आ जाएगा 5x इंटू 10 इक्वल टू, ये सब टोटल मनी है हमारा। टोटल मनी कितना गिवन है क्वेश्चन में? 4 लाख, यानी कि 100 रुपीज़ के 2x नोट, 50 रुपीज़ के 3x नोट, 10 रुपीज़ के 5x नोट, सबका सम कितना? 4 लाख। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x इंटू 100 गिव्स अस 200x, 3x इंटू 50 गिव्स अस 150x, 5x इंटू 10 गिव्स अस 50x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 लाख। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 400x इक्वल टू 4 लाख। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4 लाख अपॉन 400, 0 to 0 कैंसल्स, एंड 4 ones are 4000s आ, दैट मीन्स x का वैल्यू हमें मिल गया 1000। अभी देखिए, x अगर हमें 1000 मिल गया तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हो जाएंगे बेटा? 100 रुपीज़ के नोट्स थे 2x, तो 100 रुपीज़ के टोटल नोट्स कितने हो गए? 2 into x, x का वैल्यू कितना आया? 1000। दैट मीन्स 100 रुपीज़ के नोट्स हैं कितने? 2000। ऐसे ही 50 रुपीज़ के नोट्स कितने आएंगे? 50 रुपीज़ के नोट्स होने चाहिए 3 into x, यानी कि 3 into 1000, दैट मीन्स 3000। 3000 नोट्स हैं उसके पास 50 रुपीज़ के। और 10 रुपीज़ के नोट्स कितने आएंगे बेटा? 5x, दैट मीन्स 5 into 1000, दैट मीन्स 5000। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया, 100 रुपीज़ के टोटल 2000 नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के टोटल 3000 नोट्स हैं, 10 रुपीज़ के टोटल 5000 नोट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज़ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी? दोबारा पहले जैसा ही क्वेश्चन है, क्या बोला है हमें? टोटल मनी जो है वो है 300 रुपीज़, और कौन से डिनोमिनेशन में है? 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है और 5 रुपीज़ का कॉइन है। ओके, यहाँ पे हमें रेशियो नहीं गिवन है। डिफरेंस ये है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे बेटा हमें रेशियो नहीं गिवन है। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। ये गिवन है हमें कि ये जो 2 रुपए के कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स के 3 times है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं? लेट 5 रुपी कॉइन्स इक्वल्स 2x। सो 2 रुपी कॉइन कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? इसी का 3 times होना चाहिए, यानी कि 3x आ जाएगा। अच्छा, आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। टोटल कॉइन्स अपने पास 160 हैं, इसमें से x तो हो गए 5 के कॉइन्स और 3x हो गए 2 के कॉइन्स, तो बाकी पीछे जो रिमेनिंग है वो आने चाहिए 1 रुपी के कॉइन। सो दैट मीन्स 1 रुपी कॉइन्स इक्वल्स टू 160 माइनस एक्स प्लस 3x। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 रुपी के कॉइन्स को x मान लिया है, 2 रुपी के कॉइन्स को 3x मान लिया है, और हमें गिवन है कि टोटल कॉइन्स 160 हैं। अगर टोटल मेरे पास 160 कॉइन्स हैं उसमें से ये और ये हमें पता है, तो हम 1 रुपी के कॉइन्स निकाल सकते हैं। 1 रुपी के कॉइन्स कितने आ गए? 160 माइनस एक्स प्लस 3x, ये वैल्यू आ गई 160 माइनस 4x। ये हो गए हमारे पास कॉइन्स। अब हमें ये गिवन है कि टोटल मनी जो है वो 300 है, राइट? तो हम क्या करेंगे, 5 रुपीज़ के अगर x कॉइन्स हैं तो कितना मनी है? 5 into x। 2 रुपीज़ के अगर 3x कॉइन हैं तो कितना मनी है?
2 × 3x. 1 रुपी का अगर 160 माइनस 4x कॉइन्स हैं तो कितना अमाउंट हो गया, 160 माइनस 4x इंटू 1, एंड दिस इज इक्वलेंट टू 300, बिकॉज टोटल रुपीज हमारे पास 300 हैं. इसको सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300. ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 7x प्लस 160 इक्वल्स टू 300. 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160, दिस विल गिव अस 140. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 140 बाई 7, दैट इज 20. यानी x का वैल्यू 20 आ गया. तो अभी देखिए 5x के कितने कॉइन्स आ जाएंगे हमारे पास, 5 रुपी कॉइन्स. 5 रुपी कॉइन्स इक्वल्स टू x, x का वैल्यू कितना 20. दैट मीन्स 20 कॉइन्स हमारे पास 5 रुपीज़ के हैं. 2 रुपी कॉइन्स इक्वल्स टू 3x, दैट मीन्स 3 × 20, दैट इज 60. 60 कॉइन्स है 2 रुपीज़ के. और 1 रुपी कॉइन्स ये आ जाएगा 160 माइनस 4 × x, x का वैल्यू कितना 20, दैट मीन्स 160 माइनस 80, दैट इज 80. यानी कि 80 कॉइन्स है 1 रुपीज़ के, 60 कॉइन्स है 2 रुपीज़ के, और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं टोटल 20. दिस कम्प्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 15. लास्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25. The total prize money distributed is 3000. We have to find the number of winners if the total participants is 63. हमें क्या बोला है, एक competition है, उसमें जो prize money है वो 100 rupees का हमें मिलेगा winner को, और जो participants हैं जो नहीं जीतेंगे उन्हें मिलेगा 25 rupees का prize money. तो total prize money जो distribute किया है वो है 3000 का. हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ विनर्स. हमें टोटल पार्टिसिपेंट्स गिवन है 63 और फाइंड करना है नंबर ऑफ विनर्स. सो जैसे कि हम करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है उसे हम एक्स मान लेते हैं. यहाँ पे हमें नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करना है. सो लेट नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू एक्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 गिवन है. तो जो लोग नहीं जीते हैं वो कितना होगा, नॉन विनर्स आ जाएंगे 63 माइनस एक्स. अच्छा, आगे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि विनर्स को हम दे रहे हैं 100 rupees का कैश प्राइस. तो विनर्स को जो मनी गिवन है वो कितना होना चाहिए, 100 × x. और जो नॉन विनर्स हैं उन्हें दे रहे हैं 25 rupees. दैट मीन्स नॉन विनर्स 63 माइनस एक्स, तो उन्हें कितना प्राइस मिल रहा है, 63 माइनस एक्स इंटू 25. ये टोटल मनी जो है ये गिवन है हमें क्वेश्चन में 3000 गिवन है. इसे सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर ये आ गया 100x, यहाँ पर 25 × 63. ₹1575 − 25x = 3000. यहाँ देखिए 100 − 25x gives us 75x equals to, इस वैल्यू को उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, 3000 − 1575 will give us 1425. That means 75x equals to 1425, and x will be 1425 upon 75.
इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से बेटर हम इसे 25 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, या चलो 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 3 15, इसे कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 19, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 19, दैट मीन्स नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू 19 इज आर आंसर, यानी कि टोटल जो विनर्स हैं वो हैं 19। दिस इज ऑल फॉर एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।